अस्सलाम वालेकुम पब्लिक, क्या चला, कैसे आपकी तबीयत सेहत। आ गया हूँ मैं एक और रिएक्शन वीडियो के साथ, जो कि दूसरी वीडियो भी है अनोनिमस के ऊपर। तो यार अनोनिमस भैया मेरी मोटिवेशन है, मेरी दिल की धड़कन है। तो इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी में कामयाब हो गया तो अनोनिमस से ज़रूर मिलूंगा और कुट के जफ्फी डालूंगा। और बाकी यार मुझे ना स्टोरी स्टार अनोनिमस की ना बहुत मज़े की लगती है, पता नहीं मैं कितनी बार देख चुका हूँ, ठीक है। और इसी वीडियो को देख के ना मैं थोड़ी मोटिवेशन पकड़ता हूँ, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक रिएक्शन भी दिया जाए और पब्लिक के साथ मतलब भी इंजॉय भी किया जाए। बाकी इंजॉय करो वीडियो को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते ना, और बाकी लोग भी यार चलो इंजॉय करते हैं। कभी शहर में घूमती को देखा है दिन ब दिन, हर रोज सुबह से शाम सबको अपने ख्वाबों के पीछे दौड़ते देखा है। हाँ मैं वही हूँ, वही भीड़ हूँ मैं। फर्क बस इतना है कि मैं अपने उन ख्वाबों को जीने में शायद कामयाब अब हो रहा हूँ। यार थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है मेरी, नीचे ना मेरा कोई हॉटस्पॉट चला रहा है, तो अभी देखा है तो अभी डिवाइस करने में थोड़ा इशू आएगा। तो बाकी इंजॉय करो, थोड़ा अब सही चलेगा नेट। लेकिन आज भी वही भीड़ हूँ मैं, मोहम्मद मुबीन हूँ मैं, स्टार हूँ मैं, स्टार अनोनिमस। बचपन में बचपना छिन जाना भी कैसी अजीब बात है ना, मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। होमवर्क करने की उम्र में रोटी कपड़ा मकान की दौड़ शुरू हो गई। सारा दिन स्कूल यूनिफॉर्म में होता था और काम में मेरी मदद करता था, फिर क्या होना था फेल हो गया। मुझे याद है आज भी जब मैंने अब्बा को फेल होने की खबर दी, एक लफ्ज ना कहा उन्होंने, खामोश थे बिल्कुल। उस दिन मैंने उनकी आंखों में अपने लिए गुस्सा नहीं बल्कि बेबसी देखी। बस फिर गया रहा, चल पड़े हम भी इसी दौड़ में, इसमें सब शामिल थे, पैसा कमाओ घर चलाओ। ये जो ख्वाब देखने की लग्जरी होती है ना, ये हम जैसों के पास नहीं होती। हमें ना बस इतना ही सिखाया जाता है इसका। यार डीमोटिवेट सा हो रहा हूँ, तो मोटिवेशन मिलती है यार इस वीडियो को देख के। तो अभी थोड़ा सा ना इमोशनल सा हो गया हूँ यार, कसम से मुझे पूरी वीडियो याद है, क्या क्या बोले कैसे कैसे। यार कसम से मैं ना 2 से 4 दिन बाद ये वीडियो लाजमी देखता हूँ, ठीक है। मेरे पास सेव भी पड़ी हुई है मोबाइल के अंदर, तो मोटिवेशन आती है यार देख के ना। बाकी यार आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ सपोर्ट करें यार मुझे जितना हो सकता है। यार जैसा कंटेंट बोलोगे मैं लेके आऊँगा। ये लैपटॉप आपके लिए लेके आया मैंने, कहा क्यों ना यार रिएक्शन दिया जाए लोगों की वीडियोज़ के ऊपर। बाकी इन्जॉय करो यार, काम करो, जो है जितना है उसमें खुश रहो, वोट दो गला अपनी ख्वाहिशों का। लेकिन क्यों, लेकिन क्यों? थोड़ा बहुत गेमिंग का शौक तो मुझे हमेशा से ही था, लेकिन उस दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे ऑनलाइन गेमिंग की इस दुनिया से पहली बार मिलवाया। बस फिर क्या था, मैं अपनी मसरूफ जिंदगी में से ढूंढ के वक्त निकालता पर PUBG मोबाइल खेला करता था, जब तक जीतना मेरी आदत नहीं बन गई। अब टाइम आ गया था कि मैं अपने हुनर को प्रोफेशन बनाऊं, लेकिन कैसे? सेम यार यही सीन है, सेम। मैं घर में रह के यार मोबाइल नहीं यूज़ कर सकता, मेरा भी सेम यही इशू है। बस घर की यार कुछ मामला होते हैं बताए नहीं जाते, तो सेम ऐसे ही लगा लो, इससे सख्त और सख्त है, ठीक है। मोबाइल अगर देख लें अंत तक बस छोड़ें यार, एंजॉय करें। अब्बा को तो बता ही नहीं सकता था, तो पहले ही गेमिंग पे गुस्सा करते हैं। ऐसे में बन गया, ऐसे बन गया मैं स्टार अनोनिमस। मैं बहुत खुश था, मुझे लगा था अब सब सेट हो जाएगा, पर लोगों को कुछ और ही लगता था। पर मैंने लोगों की नहीं सुनी और टाइम निकाल कर रोज स्ट्रीम करता रहा।
300 से ज़्यादा वीडियोस और सिर्फ चंद फॉलोअर्स जिनके व्यूज भी ना होने के बराबर। महीनों गुजर गए स्ट्रीमिंग करते हुए, लेकिन अब तक कोई फायदा नहीं हुआ था। ऐसा लगा शायद ये सब वाकई ही बेकार है। नफरतों के शहर में चलाकियों के डेरे हैं, नफरतों के शहर में चलाकियों के डेरे हैं। यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पे तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे हैं। कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ एक बार, पर वही शायद वो वाकया था जिसने मुझे हार नहीं मानने दी। मुश्किल वक्त था, जेब थी खाली, ले दे के चंद दोस्त ही थे मेरे पास, लेकिन वो भी एक एक करके कम होते गए। कॉल करता कार्ड देते, घर जाता घर वाले भगा देते। बुरी सोहबत हो गया था मैं उनके लिए गेमर बनने के जुनून की वजह से। हद तो तब हुई जब कभी रास्ते में मुझे मिलते तो मुझे देख के अपना रास्ता बदल लेते, पर वही जुनून मुझे आम होते हुए भी खास कर गया। बस फिर मेहनत करता रहा, ऐसा था जैसे खुद को सही साबित करना मेरी जिद बन चुकी है, घर के हालात बेहतर करना मेरा मकसद ही बन चुका है। नींदें आराम सब कुर्बान कर दिया। और यार पब्लिक इस वीडियो को मैं इतनी दावा दे चुका हूँ ना, कसम से दिल के ऊपर लगती है यार ये वीडियो। यार फाइनली एक दिन एक बार मुबीन मेरे पास आया और मुझे कहा कि मैं गेमर बन गया, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर उसने मुझे बताया पूरी दुनिया से 1,00,000 बंदा मुझे खेलते हुए देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा बेटा स्टार बन गया और आज मुझे अपने बेटे पर फख्र है। और सिर्फ यही नहीं, फिर लोग वो बदले, सब बदलते हैं वक्त के साथ। पैशन चाहे कुछ भी हो, दुनिया और लोगों की परवाह मत करनी। मेहनत और हुनर हर मुश्किल आसान बना देते हैं। ऊपर वाले का करम है कि आज मैं किसी का मोहताज नहीं, मुझे देख के कोई मुंह नहीं मोड़ता। मेरे घर पे रोटी कपड़ा मकान से आगे भी बात होती है। ये थी मेरी कहानी। स्टार हूँ मैं, फिर भी वही भीड़ हूँ मैं। मैं हूँ मोहम्मद मुबीन, मैं हूँ स्टार अनॉनिमस। यार पब्लिक कसम से बहुत वीडियो में बहुत दफ़ा देख चुका हूँ मैं, मोटिवेशन मेरी मिलती है ठीक है। पिछली गर्मियाँ थी ना तब मैं छत वगैरह पे सोता था, तो ये वीडियो देखता था तब मैं दिल भर के रोता था, तब आसपास कोई नहीं होता था, अकेला ही मैं सोता था। तो बस यार बहुत मेरी भी कुछ बहुत लंबी कहानी है, इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी में कामयाब हो गया तो आप सबसे मैं यही बातें शेयर करूँगा। बट बाकी ना डीमोटिवेट थोड़ा सा ना जो है ना इमोशनल वो हो गया, बाकी बहुत मुझे ना दिल को लगती वीडियो। तो बाकी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और बाकी लव यू पब्लिक, कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना यार, सपोर्ट करो यार मुझे थोड़ी बहुत जितना कर सकती हो। और बाकी लव यू यार, बाय बाय, फिर मिलेंगे।